अच्छी फिल्म है 2016 दी एंड अक्टूबर 6th इन द थिएटर नियर यू प्लीज गो एंड वॉच। कितना एक्साइटेड है सर आप रिलीज को लेकर? नर्वस है क्योंकि जुबा टू रिलीज हो चुकी है काफी। नहीं भाई, मैं काफी सालों से काम कर रहा हूं, अब जरा नर्वसनेस तो इतनी ज्यादा नहीं होती। मुझे खाली फर्क यही दिखाई देता है जब टीवी पे काम करते हैं, आप शूटिंग करते हैं 15-20 दिन बाद अपने आप को टीवी पे देख लेते हैं तो पता चलता है कि भाई रिस्पॉन्स क्या है, क्या लग रहा है। फिल्म करते हैं तो काफी अरसे तक बनती है, काफी टाइम बाद थिएटर में आती है तो रिस्पॉन्स पता चलते चलते बड़ा वक्त लग जाता है। तो ये एज एन एक्टर मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं इतने सालों से टीवी करता आया हूँ, ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। लेकिन टेंशन किसी बात का नहीं है यार, काम अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं, बाकी ऑडियंस के ऊपर है। सुन रहा हूँ यार, मैं भी इसके बारे में पढ़ ही रहा हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई चैनल ने या किसी ने मुझे अप्रोच किया हुआ किसी शो के लिए ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी की ये जो ताकत थी और ये जो बिलीफ था, मैं अब तक मैं कभी कभार सोचता हूँ कि नॉन वायलेंस से आप किसी झगड़े का या किसी चीज़ का हल कैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, मतलब यही कि कोई आपको एक गाल पे मारे आप दूसरा गाल आगे कर दें, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझने में वक्त लगा। लेकिन जब मैं समझा तो लगा यार ये कमाल की बात है यार, मतलब आप एक्चुअली इतने सारे लोगों को आप एक जो फाइट है जिसे कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल है, एक फ़ाइट है, पर वो फ़ाइट आपने नॉन वायलेंस से बिना लड़े जीती, ये कमाल की बात है और ये महात्मा गांधी कर सकते हैं। सर ये स्वच्छ भारत अभियान है जो सही में सफल हो रहा है कुछ इसके बारे में? यार ये तो बड़ा तुमने डिटेल टेक्निकल सवाल पूछ लिया। अब कितना, मतलब मैं एटलीस्ट जहाँ तक देखता हूँ मेरे आसपास तो सफाई बेहतर हुई है, मैं उतना ही कह सकता हूँ मेरे एरिया के बारे में और मेरे घर के आसपास, वो मुझे बेहतर लग रहा है। बाकी इतने देश लेवल के ऊपर इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि
फिल्में आप काफ़ी देखते हैं, आप जुड़वा टू अभी चल रही है और भी फिल्में आ रही हैं, तो देखते रहिए क्योंकि मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग जो है फिल्मों में होती है, मज़ा आता है। 2016 दी एंड उसी हिसाब से कॉमेडी भी है, लेकिन बहुत अच्छा मुद्दा भी है कि दुनिया अगर 7 दिन में ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करेंगे, ये सवाल मेरे दिमाग में भी बहुत टाइम से चल रहा है कि क्या करूँगा, लेकिन इस कहानी के द्वारा हमने इस सवाल को भी बड़े कॉमिकली और फनी तरीके से इससे डील किया है, तो फिल्म देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत इवेंट था, जो स्टूडेंट्स ने कलेक्शंस पेश किए आज बहुत ही क्रिएटिव थी और ऐसे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स की कलेक्शन है, एक अच्छे डिज़ाइनर की कलेक्शन लग रही थी और ऐसे सारे कपड़े ऐसे थे कि हम सब पहन सकते हैं और उनको इन्जॉय कर सकते हैं। सो इट वॉज रियली अ गुड शो, हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी, दे मस्ट हैव पुट इन सच अ बिग एफर्ट, टू द प्रोमोटर्स फॉर डूइंग सच अ ग्रेट इवेंट, इट वॉज रियली रियली अ नाइस शो। मैं बहुत एक्साइटेड थी आके आज के शो को लेके, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को मेंटर किया था, उनकी कलेक्शन के स्केचेस देखे थे और ये शो पुट टुगेदर करने में भी मैंने काफ़ी अपने इनपुट्स दिए थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट दे हैव आउटडन देमसेल्व्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी बेहतरीन कलेक्शन थी, उससे ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी, सो आई थिंक एवरीबडी इज़ डन अ ग्रेट एफर्ट। बहुत अच्छा काम किया और अर्चना जी ने बहुत बहुत इसमें कोऑपरेट किया, अर्चना जी का कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा था और बच्चों ने बहुत ही इनिशिएटिव आइडियाज दिए और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। वो न्यू कमर्स को जो उनका जो सिलेबस है और उनके जो टीचिंग्स हैं वो बाकी इंस्टीट्यूट से अलग हैं, क्योंकि आज आपने जब कलेक्शंस देखी होंगी तो ऐसे लग नहीं रही थी कि स्टूडेंट्स की कलेक्शन है, ऐसे कलेक्शंस थे जो कोई भी पहन सकता है और खूबसूरत लग सकता है। सो उनकी जो टीचिंग्स हैं बहुत ही कम्प्लीट हैं, उनका सिलेबस बहुत ही बेहतरीन है, तो यही उनमें डिफरेंस है बाकी सब में से। सबसे पहला नज़रिया जो था वो खादी था, आज हम सोसाइटी में जो है एक सस्टेनेबिलिटी पर बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं, फाइनली हर जने को रियलाइज़ हो रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आज ये सारे बच्चों ने सस्टेनेबिलिटी ली थी एज़ वन ऑफ द पॉइंट्स और उन्होंने खादी को फैब्रिक लेकर के पूरी कलेक्शंस बनाई और बहुत ही खूबसूरत काम किया उस पर। गांधी जयंती है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, हमारे फादर ऑफ द नेशन का दिन है, सो इट्स अ वंडरफुल डे जिसपे ये शो हुआ है आज। थैंक यू। इट वाज अ फैबुलस शो एंड आई रियली थिंक दैट द स्टूडेंट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड, ऑल द कलेक्शंस वर लुकिंग वंडरफुल, दे वर ऑल डिफरेंट, द थीम्स वर वेरी गुड एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द फैशन बिजनेस वंस दे मूव आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मुझे भी यही लगता है कि बहुत अच्छा शो था, I think the show was excellent and though they haven't had as much exposure, but with the help of the mentors and the faculty, I think they've done a great job and all the collections is really wearable and very practical, which makes it even more better. Thank you.